देखिए इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू क्वांटम क्लासेस में। इस न्यू क्वांटम क्लासेस में आज हम 10th क्लास की फिजिक्स देख रहे हैं। 10th क्लास की फिजिक्स का 6th चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे आप देखते हैं कि जैसे आपने देखा कि पिछले क्लासेस के अंदर पिछले चैप्टर्स के अंदर रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन देखा गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस सेगमेंट में रिफ्रैक्शन का हम देखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कैमरा होता है, माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, फिर प्रोजेक्टर्स होते हैं और स्पेक्टिकल्स होते हैं, सारे के सारे रिफ्रैक्शन की फेनोमेना के ऊपर वर्क करते हैं। अगर हम अपनी डेलिकेट इम्पोर्टेंट ऑर्गन जैसे हम ह्यूमन आई कहते हैं वो देखें तो ये भी रिफ्रैक्शन की फेनोमेना के ऊपर डिपेंडेबल होती है। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो आपकी ह्यूमन आई होती है वो रिफ्रैक्शन की फेनोमेना के ऊपर डिपेंड होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक होता है और ये एक ऐसा नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑब्जेक्ट होता है या बॉडी का ऑर्गन होता है जिसमें रिफ्रैक्शन का इम्पोर्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बना होता है ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल और ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है, चमकीली होती है, फ्लैक्सिबल होती है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि जो आप ह्यूमन आई है उसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हैं आपके जैसे कॉर्निया है, पीपल है, आई लेंस है, आयरिस है, सिलियरी मसल्स है, रेटिना है। अगर हम ऑप्टिक नर्व्स की बात करें तो ये ऑप्टिक नर्व्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जो ब्रेन को वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो आई जो आपका आई बॉल होती है और आई बॉल की प्रकार से कैसी होती है, स्फेरिकल फ्रंट पार्ट। अगर हम फ्रंट पार्ट ऑफ द आई देखें तो ये होता है आपका कॉर्निया। कॉर्निया बल्जिंग पार्ट होता है, आउटर सरफेस में थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप का होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। कॉर्निया से होते हुए कॉर्निया एक प्रकार का विंडो है, घर है, जैसे कोई लाइट अंदर आ रही है। अगर हम दूसरे इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करें आई की तो वो है आयरिस। आयरिस इज अ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मैमब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के ठीक पीछे होती है आयरिस। तो आयरिस इज अ होल इन द मिडिल ऑफ द आयरिस, यू नो दैट, विच इज कॉल्ड अ पीपल ऑफ द आई। तो पीपल अपने आप में एक प्रकार का होल होता है जिससे जो आपकी सनलाइट रेज होती हैं, सनलाइट होती है वो अंदर जाती है, कॉन्वेक्स से होती हुई रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होती हैं और पीछे रेटिना के ऊपर पड़ती हैं और उससे इमेज बनती है, उल्टी बनती है, रियर बनती है, बट ब्रेन के द्वारा उसे सीधे इंटरप्रेट किया जाता है। अगर हम पीपल की बात करें तो पीपल अपने आप में ब्लैक दिखता है। क्यों दिखता है कि वहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो जो आई लेंस होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसकी जो आपकी शेप होती है, थिकनेस होती है ना, वो चेंज हो सकती है। अब हम पूरा एक लुक देखेंगे पूरे पेज का, थोड़ी देर के लिए आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। एक और लुक देखते हैं हम, हमारे पास दूसरा वाला पेज आ गया है। इस पेज की स्टार्टिंग से फिर दोबारा से वहीं से जहाँ से हमने डिस्कशन फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे आई लेंस की। तो आई लेंस एक प्रकार का सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लैक्सिबल भी मटेरियल होता है, लिविंग पदार्थ से बना होता है। इसमें जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, ठीक है, जिसके अंदर जो सिलियरी मसल्स कंट्रोल करती हैं उस लेंस की मोटाई को, लंबाई को, ठीक है। एक और बात, जो आपकी फोकल लेंथ ऑफ आई का जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, वो चेंज होती रहती है। लेकिन अगर हम इसी आई लेंस की अगर हम बात करें तो उसकी फोकल लेंथ अगर हम कैमरा के साथ कंपैरिजन करें तो कैमरा के कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती और फिक्स रहती है। लेकिन यहाँ केस अलग है, यहाँ पर फोकल लेंथ चेंज होती रहती है। सो द फोकल लेंथ ऑफ कैमरा इज़ अ फिक्स, बट अगर हम देखें आई लेंस का तो वो चेंज होता रहता है। अच्छा, इट कैन बी चेंज बाय द सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स का बड़ा इम्पोर्टेंट
काम होता है। जो अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में हो तो आपकी जो पीपल है सिकुड़ जाएगी, कम लाइट अंदर जाएगी। जैसे आप बाहर अंधेरे में अंदर अंधेरे में हो तो पीपल बड़ी हो जाएगी, क्योंकि लाइट ज़्यादा चाहिए तब चीज़ें दिखेंगी। जैसे आप बाहर जाओगे, लाइट ज़्यादा होगी तो पीपल की साइज कम हो जाएगी, कम लाइट अंदर जाएगी, जिससे आपको आसानी से दिखेगा। अगर हम दूसरे पोर्शन की बात करें, जैसे स्क्रीन की बात करें कि हमारी आई की स्क्रीन क्या है, तो रेटिना एक ऐसा पोर्शन है जिस पर लाइट पड़ के रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनती है, और ये जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। रेटिना अपने आप में एक प्रकार की स्क्रीन मान लीजिए हमारी ह्यूमन आई की। अगर हम रेटिना को दूसरे भाषा में देखें तो एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसपे दो इम्पोर्टेंट टाइप की अलग अलग सेपरेटेड सेल्स होती हैं, जिन्हें हम रॉड्स और कोन्स कहते हैं। रॉड लाइट की इंटेंसिटी को, डिम लाइट और लाइट को इंटरप्रेट करती हैं, वाइल जो कोन्स होते हैं आई के अंदर रेटिना के ऊपर, वो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को कराते हैं। जैसे आपको नॉक्टूरियल नाम के एनिमल्स होते हैं, जैसे आपका आउल है तो उसी रात में सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के कलर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। जैसे आज दिवाली है तो कलरफुल जो लाइट्स हमें छत पर हर जगह दिखाई दे रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, वो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आउल को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रेटिना का, जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वहाँ पर लाइट के रिफ्रैक्शन की कोई फेनोमिना ही नहीं होती, कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती, इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एक और बात है, दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जैसे स्पेस बिटवीन कॉर्निया और आई लेंस, मतलब आई लेंस, आई का जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसके बीच में जो मटेरियल भरा रहता है, लिक्विड होता है, उसे हम एक्वासीमर कहते हैं। एक्वास का मतलब पानी का बना हुआ सॉल्यूशन। अगर हम स्पेस बिटवीन द आई लेंस और रेटिना की बात करें, उसमें भरा रहता है विट्रियस ह्यूमर। तो यहाँ तक मैंने अभी आई के बारे में पूरी स्टडी आपको बताई है। अब हम मुझे होप है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।